यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो। अगर आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज हमारी सी ए इंटरमीडिएट सेकेंड ग्रुप एफ एम की आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ही क्लास है। एक हमने इंट्रोडक्शन क्लास पहले ली थी, उसमें हमने बताया था कि प्रैक्टिकल और थ्योरी कैसे आपको साइमल्टेनियसली लेके चलने हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे उम्मीद है जो मैंने बेसिक बात बताई थी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, उसके अंदर मैंने बताया था कि मुझे पैसा वहाँ से प्रोक्योर करना चाहिए, वहाँ से पैसा इकट्ठा करना चाहिए जहाँ से पैसा क्या हो, सस्ता। तो पैसा सस्ता कैसे होगा? जब मुझे उसकी क्या पता होगी? कॉस्ट। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताऊंगा जो आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत क्या करेंगी, हेल्प। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने लिखा यहां पे सिचुएशन, सिचुएशन नंबर ए और सिचुएशन नंबर बी, ठीक है जी। सिचुएशन नंबर ए मैं यहां लिख रहा हूं डेप्ट 10%, 10% मैंने डेप्ट ले रखे हैं, और यहां लिखा मैंने इक्विटी। ए सिचुएशन में मैंने कोई पैसा उधार नहीं ले रखा और मेरे 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर के लगे हुए हैं, यानी कि मेरे बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं? 10 लाख रुपए। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें हमने क्या कर रखा है? 3 लाख रुपए की डेप्ट यूज कर रखे हैं और 7 लाख रुपए की इक्विटी यूज कर रखी है, और बिजनेस में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है? 10 लाख रुपए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए नाम का बिजनेस भी मैंने 10 लाख रुपए लगा के कराया है और बी नाम का बिजनेस भी मैंने 10 लाख रुपए लगाकर करा है। इन सब की खास बात क्या है? इस दोनों सिचुएशन की खास बात क्या है कि बिजनेस वही है। अच्छा, अगर मैं 10 लाख रुपए खुद के लगा के करता तो क्या इशू आता, और अगर मैं 3 लाख रुपए डेब्ट के और 7 लाख रुपए खुद के लगा के बिजनेस कर रहा हूं तो क्या दोनों बिजनेस के अंदर जो टोटल पैसा इन्वॉल्व है वो क्या इक्वल है? आंसर इज यस। इसका मतलब सेल दोनों सिचुएशन में सेम आएगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने सेल करी, फॉर एग्जांपल हमने सेल करी 50 लाख रुपए की। ठीक है सर, हमने 50 लाख रुपए की सेल कर दी। सेल में से मैंने माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमने लगा दी, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए हमारी 20 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है जी। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बताएं क्या बच गया? कॉन्ट्रीब्यूशन। अरे सर, ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने बताया था। मैंने कहा और क्या बताया था? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों सिचुएशन में कितना बच गया? 30 लाख रुपीज एंड 30 लाख रुपीज। माइनस करी मैंने फिक्स कॉस्ट। भाई फिक्स कॉस्ट तो दोनों सिचुएशन में सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट है हमारी 12 लाख रुपीज। फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 12 लाख रुपीज। तो जो बैलेंसिंग फिगर सामने आया उसको हमने क्या बोला? 18 लाख रुपए। नॉर्मली इस 18 लाख रुपए को आप प्रॉफिट बोलते हो, लेकिन ध्यान दें अब हम इसका एक नया नाम रखेंगे। इसका नाम रखा हमने EBIT। क्या रखा हमने इसका नाम? EBIT। मुझे उम्मीद है इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने जो पैसा कमाया है इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले वो ये पैसा है 18 लाख रुपए और 18 लाख रुपए। हाँ सर, सिचुएशन ए की बात करें चाहे हम सिचुएशन बी की बात करें, बिजनेस के अंदर कितने पैसे लगे हुए जी? 10 लाख प्लस 0 10 लाख रुपए, 3 लाख प्लस 7 लाख 10 लाख रुपए। तो अगर मैं उधार के पैसे से मशीन लाऊं या खुद के पैसे से मशीन लाऊं, उसका प्रोडक्शन क्या रहेगा? सेम। सेल प्राइस क्या रहेगा? सेम। तो सेल भी क्या रहेगी? सेम। वेरिएबल कॉस्ट भी क्या रहेगी? सेम। फिक्स कॉस्ट भी क्या रहेगी? सेम। यहां जो डिफरेंस आया है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसको हमने क्या नाम दिया? कॉन्ट्रीब्यूशन। और कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैंने जब फिक्स कॉस्ट माइनस की तो उसको क्या नाम दिया? EBIT। जैसे ही मैंने इसको EBIT बोला तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, सर इस इंटरेस्ट का आखिर हमने करा क्या? इस इंटरेस्ट को ना तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट माना, ना मैंने इसको फिक्स कॉस्ट का पार्ट माना। अच्छा ठीक, इस वेरिएबल कॉस्ट में इंटरेस्ट नहीं है और इस फिक्स कॉस्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसको नाम दिया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस कर देते हैं हम इंटरेस्ट। फर्स्ट सिचुएशन में मेरे डिवेंचर, मेरे डेब्ट कितना है? निल। तो मेरा इंटरेस्ट भी कितना हो गया? निल। लेकिन दूसरी सिचुएशन में मैंने डिबेंचर कितने ले रखे हैं? 3 लाख रुपए के, और उसका इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 3 लाख का 10%, 30,000 रुपए। अब जो बचा वो क्या बचा?
अठारह लाख माइनस जीरो इजिकल टू 18 लाख, 18 लाख माइनस 30 हज़ार इजिकल टू 17 लाख और 70 हज़ार। दिस इज कॉल्ड ईबीटी। ईबीटी इज कॉल्ड अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा, इसी ऊपर वाले का क्या नाम रखा था हमने, ईबीआईटी। ईबीआईटी की फुल फॉर्म बताएं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से क्या माइनस कर दिया इंटरेस्ट, तो क्या बचा अर्निंग बिफोर ओनली टैक्स। अच्छा, बस इसमें से टैक्स माइनस नहीं करा, इंटरेस्ट माइनस कर दिया। अब एग्जांपल लेते हैं, इनकम टैक्स है फॉर एग्जांपल 30%। टैक्स का जो रेट है वो है फॉर एग्जांपल 30%। अगर मैं 30% की बात करता हूँ तो 18 लाख, 18 लाख रुपए का 30%, 18 लाख रुपए का 30% हो जाता है 5 लाख और 40 हज़ार, और 17 लाख 70 हज़ार 70 लाख 70 थाउजेंड का 30% हो जाता है 5 लाख और 31 हज़ार। अब 18 लाख रुपए में से अगर मैं घटा देता हूँ आपके 5 लाख 40 हज़ार, तो ये बचेगा मेरे पास 12 लाख और 60 हज़ार रुपये। दिस इज कॉल्ड ई ए टी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और उधर क्या बचा, 17 लाख 70 हज़ार माइनस 5 लाख 31 थाउजेंड, दिस कम्स टू 17 लाख 70 थाउजेंड माइनस 5 लाख 31 थाउजेंड, दिस कम्स टू 12 लाख एंड 39 थाउजेंड। अब यहां पर एक चीज समझने की है, वो ध्यान से देखें क्या। अगर मैं खुद का पैसा लगाकर काम करता हूं, उधार पैसा लगाता ही नहीं, तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब 18 लाख पे टैक्स दो। मैंने कहा अच्छा, 18 लाख पे टैक्स दो, मैंने कहा अच्छा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भैया मैंने उधार ले रखा है 3 लाख रुपए का, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, इस उधार के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे करा है उसको भी खर्चा मान लो। मैंने कहा मान लिया। खर्चा मानने के बाद क्या बचा, 70 लाख 70 थाउजेंड। अब जो मुझे इनकम टैक्स देना है वो 18 लाख पे नहीं, 17 लाख और 70 हजार पे देना है। अच्छा, तो जो मैं पहले इनकम टैक्स गवर्नमेंट को 5 लाख 40 हज़ार रुपये दे रहा था, क्योंकि मैं डिवेंचर यूज कर रहा हूं, इसलिए गवर्नमेंट ने, ध्यान से देखें, मेरा 9,000 रुपए का, कितने रुपए का जी, 9,000 रुपए का टैक्स रिड्यूस कर दिया। फिर से देखें जो मैंने बात बताई, फिर से देखें, मेरा टैक्स खुद का पैसा यूज करने पर कितना बन रहा है, 5 लाख 40 हज़ार, और मेरा टैक्स 3 लाख रुपए के डिवेंचर यूज करने के बाद कितना बन रहा है, 5 लाख 31 हज़ार। ये जो मेरा इनकम टैक्स कम हो गया, कितने रुपए कम हो गया, 9,000 रुपए मेरा इनकम टैक्स कम हो गया। हाँ सर, आपका 9,000 रुपए का इनकम टैक्स क्या हो गया जी, कम हो गया। और पता है क्यों कम हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट को मैं खर्चा दिखा पाया। हाँ सर, इंटरेस्ट को हम खर्चा दिखा पाए। इंटरेस्ट को हमने कितना खर्चा दिखाया सर, 3 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 10% वाले डिबेंचर थे, तो 30,000 रुपए आपने खर्चे के दिखा दिए इंटरेस्ट के। इस 30,000 रुपए के ऊपर 30% का टैक्स, यानी कि 9,000 रुपए का टैक्स आपका रिड्यूस हो गया। ये टैक्स पता है क्यों रिड्यूस हुआ है? हाँ सर, ये टैक्स इसलिए रिड्यूस हुआ है क्योंकि मैंने डेब्ट, यानी कि मैंने डिबेंचर क्या करे हैं, यूज। अगर मैं डिबेंचर यूज करता हूं तो गवर्नमेंट कहती है जाओ, मैंने तुम्हारा 9,000 रुपए टैक्स क्या कर दिया, रिड्यूस। और अगर मैं खुद का पैसा इस्तेमाल करता तो 5-40 टैक्स देता, कुछ पैसा मैंने उधार लगाया इसलिए गवर्नमेंट ने मेरा 9,000 रुपए का टैक्स क्या कर दिया, रिड्यूस। अब हमें एक बेसिक बात क्या समझनी चाहिए कि हमने इस डिबेंचर पर इंटरेस्ट कितना दिया, 30,000 रुपए। हाँ सर, ये 30,000 देने की वजह से 9,000 रुपए का टैक्स कम हो गया। हाँ जी सर, सही बात है। मैंने क्या करा, जरा ध्यान से देखें, मैंने क्या करा, मैंने डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करा। कितना इंटरेस्ट पे करा सर, 3 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 10% आपने 30,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया, और 30,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करने की वजह से आपका टैक्स 9,000 रुपए कम हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डिबेंचर को यूज करने की आपकी क्या कॉस्ट आई, और अगर आप आंसर देते हैं कि मैंने 30,000 रुपए पे करे, तो ये आपका जवाब गलत होगा, क्योंकि 30,000 रुपए पे करने की वजह से, 30,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करने की वजह से 9,000 रुपए का टैक्स क्या हो गया, रिड्यूस। अगर मैं इंटरेस्ट पे ना करता तो ये टैक्स भी रिड्यूस ना होता, यानी कि मैंने एक व्यक्ति को 30,000 रुपए दिए और दूसरे की गवर्नमेंट ने मेरे 9,000 रुपए माफ कर दिए, यानी कि अल्टीमेटली मुझे 21,000 रुपए इस डिबेंचर की वजह से
खर्च करने पड़े। ये 21,000 रुपये इस डिवेंचर की क्या है? कोस्ट। हाँ सर, ठीक बात है, 21,000 रुपये डिवेंचर की क्या है? कोस्ट। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको दो बातें लिखवाऊंगा जो बहुत काम आएंगी आपकी। सर वो कौन सी दो बातें हैं? पहली बात, पैसे का ना जाना पैसे का आना कहलाता है। दूसरी बात आप समझ ही गए होंगे, पैसे का ना आना पैसे का जाना कहलाता है। ये मैंने बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में दो बात आपको समझा दी। अगर पैसे कहीं जाने चाहिए थे वो नहीं गए तो समझ लो वो आ गए, और पैसे कहीं से आने थे वो आए नहीं तो समझ लो वो गए आपकी जेब से। दो चीजें मैंने बताई, क्या क्या? पहली क्या बताई मैंने? पैसे का ना जाना या पैसे का आना, दोनों का एक ही मतलब है। और पैसे का ना आना यानी कि पैसे का जाना, एक ही मतलब है। ठीक है सर, अब ध्यान से देखें, 30,000 का इंटरेस्ट पे करने की वजह से 9,000 रुपये का टैक्स कम लगा पैसे का ना जाना। 9,000 रुपये के टैक्स का ना जाना पैसे का आना कहलाएगा। तो अल्टीमेटली आपको 30,000 रुपये पे करने का इनाम गवर्नमेंट ने क्या दिया? 9,000 रुपये आपका टैक्स रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब डिवेंचर आपको 30 में नहीं, 30 माइनस 9 21,000 रुपये में डिवेंचर आपको पड़ा है। अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब डिवेंचर की कॉस्ट बताओ, तो आपने गलती से भी 30,000 नहीं बतानी, 30 पे करने की वजह से गवर्नमेंट ने 9,000 का टैक्स कम कर दिया और हमें ये डिवेंचर अब कितने में पड़ा? 21,000 में। ये हमारे डिवेंचर की क्या होगी? कॉस्ट। इतना गहराई में समझाने के बाद बच्चा पता क्या कहता है? सर हमने भी टैक्स पढ़ा हुआ है, मान लो हम इंडिविजुअल की तरह बिजनेस कर रहे हैं, हम स्लैब रेट में काम करते हैं और हम स्लैब रेट से डाउन जा रहे हैं यानी कि हमारे ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा, तो ये 9,000 रुपये नहीं बचेंगे। और मान लो हमारे को लॉस हो रहा हो तो हमारा टैक्स बचेगा ही नहीं। मान लो हमने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के रूल लगाकर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल लगा के इस साल का टैक्सेबल प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया, हमारा टैक्स नहीं लगता तो ये टैक्स बचेगा ही नहीं, और ये बचेगा नहीं तो फिर हमारी कॉस्ट क्या 30,000 होगी? आंसर इज यस। लेकिन हम जनरल लैंग्वेज में, जनरल बिजनेस में जब बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम कौन है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं और हम कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी पे स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर हम 1 रुपया भी इनकम कमाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। तो हम ये मानेंगे कि हमारा नॉर्मल बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस है, 1 रुपया भी अगर हम कमाएंगे तो टैक्स लगेगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल लगाने के बावजूद भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है जिस पे मुझे टैक्स देना है। अच्छा सर, तो हमने आ जाते ही दो लाइनें सीखी। पहली क्या? पैसे का ना जाना क्या कहलाएगा? पैसे का आना। दूसरी बात क्या सीखी? पैसे का ना आना पैसे का क्या कहलाएगा? जाना। ठीक है जी। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि अगर मैं 10 लाख रुपए लगा के व्यवसाय शुरू करता हूं, अब ये 10 लाख रुपए चाहे मेरे हैं चाहे कुछ मेरे कुछ उधार हैं, सेल दोनों सिचुएशन में क्या रहेगी? सेम। वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? सेम। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। इवन ईबीआईटी तक क्या रहेगी? सेम। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक क्या रहेगा? सेम। पंगा कहां से शुरू होगा? इंटरेस्ट से। हाँ सर सही बात है, जब मैं खुद का पैसा लगाए बैठा हूं सारा तो मैंने ब्याज दिया ही नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ खुद का पैसा और कुछ उधार लिए पैसा बैठा हूं तो इस उधार पे मैंने ब्याज दिया। ब्याज देते ही टैक्सेबल इनकम चेंज आ गई, टैक्सेबल इनकम के चेंज आते ही टैक्स चेंज आ गया, टैक्स चेंज आते ही अर्निंग आफ्टर टैक्स भी क्या आ गया? चेंज। फिर हमें लगा यार हमने तो 30,000 रुपये डिबेंचर को ब्याज के रूप में दे दिए तो 30,000 रुपये हमारा खर्चा है। नहीं, ये 30,000 रुपये देने की वजह से गवर्नमेंट ने मेरा 9,000 रुपये का टैक्स क्या कर दिया? कम कर दिया। फिर हमने कहा अच्छा 30,000 रुपये देने से अगर 9,000 रुपये बच रहे हैं तो इसका मतलब मेरे को तो डिबेंचर 30 नहीं 21 में पड़ा, 30 नहीं किस में पड़ा? 21 में। तो अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत। इस चैप्टर की जब हम शुरुआत करेंगे तो कहते हैं साहब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेक्चर नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट को डिनोट करेंगे के से। किसी डिनोट करेंगे जी? के से। सबसे पहले बात करता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, इसको बोलेगा के बी। फिर बात करता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दैट इज कॉल्ड के पी। फिर बात करेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज कॉल्ड के ई।
कॉस्ट ऑफ रिटेल अर्निंग दैट इज कॉल्ड केआरई, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बोलेगा केडब्ल्यू, डब्ल्यूएसीसी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या केडब्ल्यू। तो इस चैप्टर में हमें किस किस की कॉस्ट निकालनी है सर? एक डिवेंचर की, मैंने कहा ठीक, एक प्रेफरेंस शेयर की, एक इक्विटी की, एक रिटेन अर्निंग की, और इन सब की वेटेड कॉस्ट भी मेरे को निकालनी पड़ेगी। ठीक है सर, एक एक को पकड़ते हैं और इसकी क्या निकालनी स्टार्ट करते हैं कॉस्ट। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप उठाएं सी ए इंस्टीट्यूट की बुक, और सी ए इंस्टीट्यूट की बुक में उठाएं पेज नंबर 4.6, पेज नंबर 4.6, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को शॉर्टकट में क्या बोला जाएगा, केडी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर फिर दो तरह के होते हैं। हाँ सर, हमें भी याद है, एक होते हैं इररिडीमेबल, ऐसे डिबेंचर जो मुझे फ्यूचर में रिडीम करने ही नहीं, और दूसरे कौन से होते हैं रिडीमेबल, जो मुझे फ्यूचर में क्या करने हैं रिडीम। सर हमने सुना था इररिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं हो सकते, इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल इंडिया में इशू नहीं हो सकते, वो उसकी लाइफ 20 साल होती है फलाना ढिमकाना। अरे वो जहां पड़ा था, हम तो इंटरनेशनली, फाइनेंस जो है वो इंटरनेशनली सेम चलता है भैया, पैसा तो पैसा है, वो चाहे डॉलर के रूप में पड़ा हो, चाहे वो आपका रुपए के रूप में पड़ा हो, चाहे मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, चाहे मैं जापान में काम कर रहा हूँ, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा हूँ, चाहे मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, पैसा तो पैसा है। तो उस पैसे की कॉस्ट क्या है, वो डॉलर में निकलेगी या रुपीज में निकलेगी। तो फाइनेंस पूरे वर्ल्ड में सेम रहता है, टैक्स में पंगा रहता है, कुछ लॉ में पंगा रहता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रहता है। हम जब बात करेंगे, हम रिडीमेबल की भी बात करेंगे, इरिडीमेबल की बात करेंगे, हम इस चीज की चर्चा नहीं करेंगे कि इरिडीमेबल कंपनी के हिसाब से हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्या उसकी लाइफ है। हमने क्या निकालनी है जी, कॉस्ट। आप बड़े होकर क्या बनाओगे, सीए। तो क्या जरूरी है आप इंडिया में ही घूमते रहोगे? नहीं, फॉरेन की किसी कंपनी के भी आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, तो आपको वहां के लॉ के हिसाब से जो इरिडीमेबल डिबेंचर हैं या रिडीमेबल डिबेंचर है उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उनकी भी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम क्या निकालना सीख रहे हैं, केडी। केडी का मतलब क्या होगा जी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितनी तरह के, फर्स्ट इज इरिडीमेबल, जो मुझे रिडीम नहीं करने, दूसरे कौन से रिडीमेबल। इरिडीमेबल की कॉस्ट निकालने को बोला जाएगा के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट आई इंटू 1 - t डिवाइडेड बाई एन पी। देखते जाए क्या है ये, आई का मतलब है इंटरेस्ट, आई का मतलब क्या है इंटरेस्ट, ठीक है जी। वन, ये वन है, एक एक, वन का मतलब तो वन ही है। टी का मतलब है टैक्स रेट, टी का मतलब क्या है टैक्स रेट, जो भी इनकम टैक्स रेट चल रहा होगा। समझने वाली बात क्या है, एनपी, एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड्स। जब मैंने डिबेंचर इशू करे तो मुझे नेट क्या मिला, जब मैं डिबेंचर इशू करता हूं तो नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगी, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, मैंने कहा ठीक, प्लस प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। उस डिबेंचर को अगर मैंने प्रीमियम पे इशू किया तो क्या कर दोगे, प्लस और माइनस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक बात है ना सर। अगर मैंने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करें तो प्रीमियम एक्स्ट्रा मिला होगा, फेस वैल्यू के अलावा मिला होगा तो प्लस कर दूं। अगर मैंने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो फेस वैल्यू से कम पैसा मिला होगा इसलिए माइनस कर दूं, ठीक है जी। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर प्लस प्रीमियम और को मैं कर देता हूं रेड कलर से, यानी कि अगर मैंने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करे होंगे तो डिस्काउंट पे नहीं करे होंगे, और डिस्काउंट पे करे होंगे तो प्रीमियम पे नहीं करे होंगे। माइनस माइनस फ्लोटेशन एक्सपेंडिचर, इस पैसे को फ्लोट करने का कोई पैसा खर्च हो गया हो, मतलब मैंने जब डिबेंचर इशू करे, हो सकता है मैंने कोई अंडरराइटर रखा हो, उस अंडरराइटर को कमीशन दिया हो, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट करी हो, उस एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च हो गया हो सकता है मैंने कोई प्रोस्पेक्टस इशू करा हो, उस प्रोस्पेक्टस पे पैसा खर्च हो गया हो, तो जो पैसा वहां खर्च हो गया वो क्या कर दिया मैंने, माइनस फ्लोटेशन एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से देखें, ये के डी का जो फॉर्मूला है, मैं इसकी अभी चर्चा नहीं कर रहा, मैं इस के डी की चर्चा कर रहा हूं। ये जो के डी का फॉर्मूला है, ये सिंगल डिबेंचर एज वेल एज टोटल दोनों के लिए सेम है,
सर दोबारा बताओ क्या बोला। ये फॉर्मूला आप एक डिबेंचर पर भी लगा सकते हो और टोटल डिबेंचर्स पर भी लगा सकते हो। सर पेपर में बताओ किस पे लगाना है। 100% क्वेश्चन आपका टोटल डिबेंचर से जब आप करोगे तो सही आएगा, उसमें कटिंग नहीं होगी, उसमें गलती के चांस नहीं होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन सिंगल डिबेंचर के हिसाब से सॉल्व करें तो जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब मैं उसको कुछ क्वेश्चंस जब मैं सिंगल के हिसाब से सॉल्व करता हूँ तो बहुत टिपिकल हो जाते हैं, कैलकुलेशन बहुत उनकी जो है ना बेकार हो जाती है। सर कुछ नहीं समझ में आया आपने क्या कहा, अभी समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लें पहले, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे जब तक हमारी बात रहेगी अधूरी। नंबर ऑफ डिबेंचर, मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर इशू करे, ठीक है जी। इस डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है जी। तो इस डिबेंचर का अमाउंट कितना हो गया, 100 लाख रुपए। और ये डिबेंचर है आपके फॉर एग्जाम्पल 12% डिबेंचर। सर कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो इसमें कोई खास बात है ही नहीं। 1 लाख डिबेंचर कंपनी ने इशू करे, फेस वैल्यू 100 रुपये, यानी कि 1 करोड़ रुपए की मेरी डिबेंचर होगी। और 12% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद देखें ध्यान से, अगर मैंने डिबेंचर इशू करे, अगर मैं डिबेंचर इशू करे 10 रुपए के प्रीमियम पर, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, केडी निकालना स्टार्ट करते हैं। और ये डिबेंचर है मेरे कौन से, इररिडीमेबल, ठीक है जी। और गवर्नमेंट कहती है कि साहब हमारा जो टैक्स है वो है 30%। मैं निकालो केडी निकालो। केडी दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो सिंगल डिबेंचर को लेकर और एक टोटल में। सर अगर हम सिंगल से कॉस्ट निकालें या टोटल से कॉस्ट निकालें तो क्या दोनों से आंसर सेम आएगा, यस। तो सर फिर आप दो दो बार समझा क्यों रहे हो, वही तो बात मेन है कि मैं दो दो बार क्यों समझा रहा हूं। पहले देखते हैं क्वेश्चन। सर एक डिबेंचर 100 रुपए का है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फॉर्मूला क्या लगा दें, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो इंटरेस्ट एक डिबेंचर का कितना हो गया, 12 रुपए। मुझे उम्मीद है सिंगल डिबेंचर का इंटरेस्ट 12 रुपए आपको समझ में आ गया होगा। इंटू 1 माइनस टैक्स, टैक्स देखिए जी कितना है। सर टैक्स था 30%, 30% को लिख देते हैं 0.3 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। एक डिबेंचर कितने रुपए का था, 100 रुपए का, मैंने 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया है, तो मेरी जेब में नेट कितने आए, 110 रुपए। सर फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह दे रखी थी, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, 12 12 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, ये हो गया जी 8.4 डिवाइडेड बाय 1110 डिवाइडेड बाय 1110%, ये आ गया 7.636%। दिस इज योर केडी, यानी कि जो डिवेंचर आपको 12% दिख रहा है एक्चुअल में उसकी कॉस्ट 12 नहीं 7.636% है। सर ये तो मैंने सिंगल डिवेंचर से निकाल दिया, अगर मैं टोटल से निकालूं तो भी क्या 7.636 आएगा। मैंने कहा हाँ सर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। मैंने कहा हाँ, अब देखें जरा मेरे डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 1 करोड़। 1 करोड़ पे ब्याज कितना लगेगा, 12%, तो 12% ब्याज कितना हो गया, 12 लाख रुपए। इंटू 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स, कितने रुपए के डिवेंचर है, 1 लाख डिवेंचर है, 100 रुपए का एक हो गया 100 लाख, मतलब 1 करोड़ रुपए हो गया। उस पर 10% का प्रीमियम, 100 लाख का 10%, 10 लाख रुपए, 100 लाख और 10 लाख कितने हो गए, 110 लाख रुपए। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, तो सेम आएगा 12 लाख का 70%, 12 लाख का 70% हो गया 8,40,000 डिवाइडेड बाय 110 लाख। अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो ये वही हो जाएगा 8.4 डिवाइडेड बाय 110, और ये आ जाएगा वही घुमा फिरा के 7.636%। तो सर फर्क क्या पड़ा, हम ऐसे निकाल लेते हैं 8,40,000 डिवाइडेड बाय 110, 110 लाख%, 7.636333 फिर आ गया। तो सर ऐसा करा क्यों, आप ये दो दो बार क्यों समझा रहे हो। ये दो दो बार समझाने का एक बहुत बढ़िया रीजन है, कई बार आपको सॉल्यूशन सिंगल डिवेंचर से कर रखा होगा,
कई बार आपका सॉल्यूशन टोटल से कर रखा होगा, फिर कहोगे सर फलाने क्वेश्चन में सिंगल से करा, फलाने क्वेश्चन में टोटल से करा। क्यों? मैं पहले बता देता हूं क्यों। इसी क्वेश्चन में डालते हैं ट्विस्ट। अरे सर डालो ना ट्विस्ट, डालो ट्विस्ट के बिना मजा ही नहीं आना लाइफ में। ये बात मुझे उम्मीद है आपको याद होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ना मैंने फिक्स कोर्स का पार्ट लिया ना मैंने वेरिएबल कोर्स का पार्ट लिया। अब कहानी में डालते हैं ट्विस्ट, सेम क्वेश्चन लेते हैं दोबारा से, एक फिगर बदल देते हैं बस इसका। बदल दो जी। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे? 1 लाख। फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये। कितने परसेंट डिबेंचर थे? 12%। कितने रुपए के डिबेंचर हो गए? 100 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए। मैंने कितने में इश्यू करे थे? 10 रुपए के प्रीमियम पर। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको 10 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू किया, मैंने कोई प्रोस्पेक्टस या एडवर्टाइजमेंट करी और उस एडवर्टाइजमेंट पे 7,546 रुपए खर्च हो गए। सर ये क्या बात हुई, आपने ऐसा गंदा सभी कर दिया 754। अरे भैया मैंने एडवर्टाइजमेंट करी है, मैंने एडवर्टाइजमेंट करी उस पर 7,546 रुपये खर्च हो गए। बताओ इसमें दिक्कत क्या है? 7,546 रुपये खर्च हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब अगर मैं इसको टोटल में सोल्व करूंगा तो बड़ा आसान है, देखें जरा कैसे। 100 लाख रुपए का 12% मैंने ब्याज कितना दे दिया? 12 लाख रुपए इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसिट्स। 1 करोड़ प्लस 10 लाख कितने हो गए जी? 1 करोड़ प्लस 10 लाख, यानी कि ये क्या था? फेस वैल्यू प्लस क्या हो गया? प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन एक्सपेंसेस। फ्लोटेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 7,546। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कैसे आएगा? 100 लाख प्लस 10 लाख माइनस 7,546, दिस कम्स टू 1,092,454। और इसको जब आप सोल्व करेंगे 12 लाख, 12 लाख इंटू 0.7, 12 लाख इंटू 0.7 दिस कम्स टू 8,40,000। 8,40,000 डिवाइडेड बाय 1,09,92,454 डिवाइडेड बाय 1,09,92,454 1,09,92,454 दिस कम्स टू 7.64%, यानी कि जो डिवेंचर आपको 12% दिख रहा है वो 12 नहीं कितना है? 7.64। सर इसी क्वेश्चन को हम सिंगल डिवेंचर से भी कर लेते, मैंने कहा और क्या कर लेते, इस 12 लाख की जगह ब्याज कितना लिख दूं? 12 इंटू 1 माइनस टैक्स, यहां तक तो ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स कैसे लिखोगे? हाँ सही बात है, 1 लाख डिवेंचर इश्यू करने पर 7,546 रुपये खर्च हो गए। 7,546 रुपये, 7,546 रुपये 1 लाख डिबेंचर पर खर्च हो गए, तो एक डिबेंचर पर 0.07546 रुपये खर्च हो गए। अच्छा, यानी कि 100 रुपये की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर था, 10 रुपये का प्रीमियम लिया और 0.07546 का मेरा खर्चा हो गया, तो मेरे को कितने रुपये मिले? 110 माइनस 0.07, 0.07546 दिस कम्स टू 109.92452, अगर आप इस सर्कल को और इस सर्कल को देखें तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ कुछ मैच होता नजर आ रहा होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझें आप, ये कैलकुलेशन देखें ना कितनी अजीब सी होगी, ये कैलकुलेशन देखें कितनी अजीब सी होगी, 109.92452। अरे जब इतनी भयंकर कैलकुलेशन करनी ही है तो टोटल में कर लो, टोटल में गलती के चांस नहीं होते। ये तो डिवेंचर मैंने तमीज से 1 लाख दे रखे थे, मैं आगे चल के ऐसे कह दूं 72,446 डिवेंचर इशू करें और एक डिवेंचर इशू करने पर 7,546 रुपये का खर्चा हो गया, तो जो आपका फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी वो पैसे में बहुत दूर तक फ्रैक्शन में जाएगी और उस फ्रैक्शन की वजह से आपके आंसर के गलत होने के क्या हो जाते हैं? चांस। तो कई बार आपको क्वेश्चन टोटल में करना है और कई बार आपको क्वेश्चन कैसे करना है? सिंगल में करना है। और मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। कौन सी बात सर? कि पैसे का ना जाना। क्या चीज बेटा? पैसे का ना जाना क्या कहलाएगा? पैसे का आना। अब क्योंकि मैं डिबेंचर के इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, तो इसके डेबिट करने की वजह से टैक्स का क्या मिलता है? बेनिफिट। इसको बोलते हैं टैक्स शील्ड।
टैक्स की इसके ऊपर अलग से एडवांटेजेस होती है। डिवेंचर के इंटरेस्ट को पेनल में डेबिट करने की वजह से इसके ऊपर टैक्स का क्या मिलता है, बेनिफिट। पैसे का ना जाना क्या कहलाता है, पैसे का आना। ये तो मैंने बताया डिटेल में। अब बात करते हैं सीए इंस्टीट्यूट की बुक के हिसाब से क्या हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। मेरे साथ साथ करना स्टार्ट करें सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 1। पेज नंबर 7 आई थिंक। सॉल्यूशन नंबर 1। इससे पहले कि मैं आपको सॉल्यूशन नंबर 1 कराऊं, मैं एक चीज बता देता हूं। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर लगेगा। बच्चे एक और गलती कर देते हैं, आसान चैप्टर को देखकर, इतनी जो है ना आसान चैप्टर को देखकर, कॉन्सेप्ट को देखकर बिल्कुल जो है ना नीरस हो जाते हैं और कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। मैं बताता हूं कैसे। आपको बोलेगा 1 लाख डिवेंचर हैं, 100 रुपए का एक है, मैंने 10 रुपए के प्रीमियम 110 में इशू करा और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। तो ये जो 12% आपने इंटरेस्ट देना है, ये इंटरेस्ट हमेशा डिवेंचर का इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने डिवेंचर पार पे इशू किया है कि प्रीमियम पे इशू करा है कि डिस्काउंट पे इशू किया है, इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, फेस वैल्यू पर। हाँ सर, ये तो बात हमें याद है, ठीक करा आपने, बता दी। आगे देखें क्या कहता है। 5 ईयर एगो सोना लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है जी, 12% इरिडीमेबल डिबेंचर एट ₹103। हमने आज से 5 साल पहले 103 रुपए इशू करे थे एट ₹3 प्रीमियम, टू दियर पार वैल्यू ऑफ ₹100। कह रहे साहब 100 रुपए की पार वैल्यू वाला डिवेंचर था, हमने 3 रुपए के प्रीमियम पर 103 रुपए में आज से 5 साल पहले इशू किया था, और उसका ब्याज कितना लगेगा, 12%। पहला क्वेश्चन, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। इश्यू प्राइस कितना है, 103 रुपए। ब्याज किस पे लगेगा, हमेशा फेस वैल्यू पर। 100 रुपए का 12% ब्याज कितना लगेगा, 12 रुपए। ध्यान से देखें, इंटरेस्ट के आगे 12 रुपए लिखा हुआ, ठीक है जी। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिवेंचर इज 94। आज की डेट में अगर मैं डिवेंचर इशू करता हूं तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, 94। तो नेट प्रोसीड्स कितनी है, 94। इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 35% कैलकुलेट्स इट्स करंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैपिटल। कह रहे साहब जो टैक्स रेट है वो 35% है, तो फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। अब ये क्वेश्चन मैं एक डिबेंचर से भी कर सकता हूं और ये क्वेश्चन मैं टोटल से भी कर सकता हूं। मैं इस क्वेश्चन को एक डिबेंचर से क्यों करूंगा, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट दे ही नहीं रखी, फ्लोटेशन कॉस्ट दे ही नहीं रखी, और उसी की वजह से मैंने कहा था कैलकुलेशन क्या हो जाती है, टिपिकल हो जाती है, वो दे ही नहीं रखी। इंटरेस्ट की जगह क्या लिख दूं, 12 रुपए इंटू 1 माइनस 0.35, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। आज की डेट में अगर मैं डिवेंचर इशू करूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे, 94। बच्चे कहते हैं सर इस 103 का क्या करें, कुछ भी नहीं करना। अरे एनपी की फुल फॉर्म बताओ ना, नेट प्रोसीड्स। अगर मैं आज डिवेंचर इशू करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आज के डिवेंचर का करंट मार्केट प्राइस मुझे मिल जाएगा, और जो कि मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 94। तो मैंने करा 12 इंटू 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाई 94। मेरे साथ साथ देखें, 1 माइनस 0.35 दिस कम्स टू 0.65, दिस कम्स टू 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 94, और परसेंट का बटन साथ के साथ दबा दें, ये आ जाएगा आपका 8.29%। दिस कम्स टू 8.29%, और यू कैन से दैट 8.30%। इलस्ट्रेशन नंबर 1 इज ओवर। बताओ ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन नंबर 1 हमारा हो गया 12 इंटू 12 था ना, हाँ 12 था, इंटू और टैक्स रेट था कितना, 35% डिवाइडेड बाय 94, ये घुमा फिरा के आ गया आपका 8.29, और यू कैन से दैट 8.30%। सर अगर ये डिवेंचर रिडीमेबल हो जाए तो, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इसकी कॉस्ट निकाल देंगे। इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखें जरा क्या लिखा हुआ है, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब ये अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है वो जरा ध्यान से देखिए। पहले मैं इसकी इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर मैं इसकी कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, ठीक है सर। सर पहले फॉर्मूला लिख दो, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। सर ये तो पहले भी था, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन एंटायर डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। फिर से देखें फॉर्मूला क्या लिखा हमने, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस
आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन एंटायर डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू। ये टू से डिवाइड क्यों किया, ये एन से डिवाइड क्यों किया, उसके लॉजिक अभी बताता हूं। पहले पता तो चले ही है क्या सर, ये तो इंटरेस्ट है हमें मालूम है, इस टी का मतलब टैक्स रेट है ये भी हमें मालूम है, ये बता दो बस। एन आर वी क्या होता है, आर वी होती है रिडीमेबल वैल्यू। अगर डिवेंचर रिडीम होने हैं फ्यूचर में तो रिडीम कितने रुपए में होने हैं वो बात हम इशू के समय बता देते हैं। जी हाँ सर, एनपी ये वही है क्या, नेट प्रोसीड्स, मैंने कहा और क्या, ये वही है नेट प्रोसीड्स। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर, एन का मतलब क्या है जी, नंबर ऑफ ईयर। अच्छा ये तो सोल्व हो गया, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स, आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू, सारे के डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू। इन सब के लॉजिक देखने स्टार्ट करें, इन सब के लॉजिक देखने स्टार्ट करें। अब ध्यान से देखें, मैंने डिवेंचर इशू करे 5 साल के लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने डिवेंचर इशू करा 98 में, मैंने कहा भाई मौज लो वापिस दूंगा 103। ध्यान से देखें, मैंने 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिवेंचर 98 रुपीज में क्या कर दिया, इशू, और रीडीम कितने में कर रहा हूं, 103 में। यानी कि 2 रुपए का जो डिस्काउंट है ये मेरा खर्चा है, और जो 3 रुपए का प्रीमियम है ये भी मेरा खर्चा है, मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, 3 और 2 5 रुपए। अब समस्या क्या है, ये डिवेंचर कितने साल के हैं, सर ये डिवेंचर 5 साल के हैं, तो ये जो 5 रुपए का खर्चा है ये कितने दिन का हो गया, सर ये 5 साल का खर्चा हो गया, तो हर साल का खर्चा कितना हो गया, 1 रुपया। यानी कि हर साल कॉस्ट में 1 रुपया एड हो जाना चाहिए, मैंने कहा हर साल कोस्ट में 1 रुपया क्या हो जाना चाहिए ऐड। ये कैसे ऐड हो रहा है जरा ध्यान से देखें, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन एंटायरली डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू। हमने इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, अगर आप ध्यान से देखें तो। आरवी का मतलब बताएं सर, रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, 103 माइनस नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड कितना था, 98 डिवाइडेड बाय 5, 103 माइनस 98, 103 में से अगर आप 98 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा प्लस के 5। ध्यान से, 103 में से जब आप 98 घटाएंगे तो आंसर आएगा प्लस के 5, प्लस के 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस का मन। और ध्यान देखें, कॉस्ट में मैंने 1 रुपया प्लस कर दिया, हाँ सर सही बात है। अच्छा अगर मैंने ये रिडीम करे होते डिस्काउंट पे और इश्यू करे होते प्रीमियम पर तो ये फिगर माइनस में भी आ सकता था क्या, और क्या, और अगर ये फिगर माइनस में आता तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती। अच्छा सर एक उसका भी एग्जाम्पल लो, लो उसका भी एग्जाम्पल लो, 1 2 3 4 5, मैंने 5 साल के लिए डिवेंचर क्या कर दिए, इशू, ठीक करा सर, 1 2 3 4 5। हमने जो डिवेंचर इशू करे हैं वो हमने करे हैं फॉर एग्जांपल 102 रुपए में, और रिडीम करेंगे हम 97 में। अच्छा जी, तो 2 रुपए का प्रीमियम मेरा क्या हो गया, फायदा, और 3 रुपए का डिस्काउंट रिडेम्पशन का मेरा क्या हो गया, फायदा। तो 3 और 2 5 रुपए का मेरा टोटल क्या हो गया, फायदा। पिछली बार 5 रुपए का खर्चा था, हाँ जी अब की बार 5 रुपए का क्या है, फायदा। ये फायदा इशू करने वाले साल का है या 5वें साल का है या टोटल 5 ईयर्स का है, सर ये टोटल 5 ईयर्स का है, तो हर एक साल का फायदा कितना होगा, 1 रुपया। तो 1 रुपए की कॉस्ट मेरी हर साल क्या हो जानी चाहिए, रिड्यूस, और ये देखो ऐसी रिड्यूस हो जाएगी। आरवी रिडीमेबल वैल्यू कितनी थी जी, 97 माइनस इशू प्राइस कितना था, 102 डिवाइडेड बाय 5। जब आप 97 में से 102 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 5, और ये आंसर क्या आएगा, माइनस के 1। और ध्यान दें यहां प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 1, और माइनस 1 होगा तो इसका मतलब कॉस्ट रिड्यूस होगी। अरे सर आप कितनी बार बताओगे, हमें समझ में आ गया कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस, तो वो तो होनी थी कॉस्ट, तो रिड्यूस होनी थी, वो कैसे रिड्यूस हुई वो भी देखें जरा कैसे रिड्यूस हुई। ये है इशू, ये रिडम्पशन, इशू पर प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा होता है, हाँ जी, रिडम्पशन का डिस्काउंट कंपनी के लिए फायदा होता है, मैंने कहा हाँ जी,
ईशू का प्रीमियम रिडेम्पशन का डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है? फायदा। और कंपनी के लिए फायदा तो कंपनी की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि हम डिवेंचर की कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईशू अगर किया जाता है डिस्काउंट पे या रिडेम्पशन की जाती है प्रीमियम पर, तो ये कंपनी के लिए क्या है? नुकसान। अगर ये कंपनी के लिए नुकसान है तो मेरी डिवेंचर की कॉस्ट इसकी वजह से क्या हो जाएगी? इंक्रीज। हाँ सर, और हमारा फॉर्मूला भी क्या था? लास्ट बार लिख रहा हूँ आपके लिए फॉर्मूला, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन सारे के बटे आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। इसको तो डिटेल में मैंने समझा दिया कि भैया आरवी माइनस एनपी प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अगर माइनस में आ रहा है, अगर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और माइनस में जब आएगा, जब रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी? कम। और नेट प्रोसीड्स क्या होगा? ज्यादा। और माइनस में आ गई तो कॉस्ट कम हो जाएगी, प्लस में आ गई तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इसका लॉजिक हम बता चुके, इसका लॉजिक हम बता चुके। पैसे का ना जाना पैसे का आना कहलाएगा। बचा क्या? आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। यानी कि मैं जब कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं तो जो एवरेज पैसा हम यूज कर रहे हैं उससे डिवाइड कर रहे हैं। याद करें, जब हम रेशियो निकालते थे तो डिवाइडेड बाय क्या करते थे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती थी? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक एंड बीआर, एवरेज डेटर एंड बीआर लिखना था, सॉरी मेरे को। एवरेज डेटर एंड बीआर कैसे निकालते थे? ओपनिंग डेटर एंड बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर एंड बीआर डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। हमने जो पैसा यूज कराया उसकी क्या निकाल ली? एवरेज। एवरेज कैसे निकली? जरा ध्यान से देखें। मैंने 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिवेंचर 103 में इशू करा और कहा भाई साहब वापिस दूंगा 98 में, तो मैं एवरेजली कितना पैसा यूज कर रहा हूं? 103 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2। एवरेजली मैं इतना पैसा यूज कर रहा हूं। मैं का मतलब कंपनी है। जब भी मैं फाइनेंस मैनेजमेंट में मैं बोलूंगा, मैं का मतलब क्या होगा? कंपनी। क्योंकि हम हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे? बात। ठीक है सर, लास्ट बार इसका चार्ट और बनाओ और छुट्टी करो इसकी। मैंने कर लो केडी। केडी दो तरह के, पहले बताएं कौन से? इररिडीमेबल। क्या फॉर्मूला रहेगा? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। ठीक है जी। दूसरे कौन से? रिडीमेबल। रिडीमेबल है तो थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा। बताएं क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन। ध्यान रखना डिवाइडेड बाय एन, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। एंटायर डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, इसका लॉजिक मैंने बताया 2 से डिवाइड क्यों किया? एवरेज निकालने के लिए। इसका लॉजिक मैंने बताया प्लस कब आएगा उसका क्या मतलब निकलेगा, माइनस कब आएगा उसका क्या मतलब निकलेगा, इंटरेस्ट को टैक्स में से इंटरेस्ट के ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स क्यों किया, ये भी मैंने बताया, उसका लॉजिक भी मैंने बताया, और ये भी बताया कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है। केडी इज ओवर। अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि केडी क्या हो गया? ओवर हो गया। ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं। द अबव फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज यूज्ड व्हेन ओनली इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। ओहो सर, ये तो और ही कुछ बोल रहा है। हाँ, ये फॉर्मूला जब मैंने लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि भैया डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल है। अच्छा, इसका मतलब सर वो जो हमने डिबेंचर 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला, हमने जो डिबेंचर 98 में इशू किया था और 103 में रिडीम कर रहे हैं, 5 रुपए का जो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया था, 2 रुपए का इश्यू पे नुकसान हुआ था, 3 रुपए का रिडम्पशन पे नुकसान हुआ था, ये 5 रुपए का एक्सपेंडिचर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते, ये ज्यूम करके मैंने फॉर्मूला लगाया। हाँ सही कह रहे हो सर, इस इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट दिखा दिया क्या कि इस इंटरेस्ट को P&L में डेबिट कर सकते हैं, खर्चा मान सकते हैं, इसलिए मैंने इस पे टैक्स का शील्ड दे दिया, टैक्स का बेनिफिट दे दिया। लेकिन ये जो 1 रुपए का खर्चा था, याद करें मैं आपको ऐसे ही तो समझा रहा था, ये जो 5 रुपए का खर्चा है 5 सालों का खर्चा है, क्योंकि मेरे डिबेंचर कितने साल के हैं? 5 साल के।
अगर ये 5 साल का खर्चा मानते हैं और इनकम टैक्स मुझे 1 रुपया पीएनएल में डेबिट करने की परमिशन देता है तो उस पर टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। अच्छा सर ठीक, अगर इस पे भी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए वो ध्यान से देखें। इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन सारे के बटे आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखें, मैंने यहां से टैक्स का शील्ड हटा दिया और ये सारा लिख दिया। अब जो आंसर आएगा उसको करेंगे 1 माइनस टैक्स। अच्छा सर, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब डिबेंचर का जो लॉस है वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे के रूप में दिखा सकते हैं हम, ऐसा मानेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सिर्फ इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है और ये एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टेबल नहीं है तो हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा सर, आपने सही कहा था, ये जो एफएम है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और क्या, आप देखते जाओ, मैं इनकम टैक्स के साथ इसको लिंक करता जाऊंगा। कैसे ही वो भी देखें सर, केडी के अब की बारी 3 फॉर्मूले हो गए। मैंने कहा और क्या, 3 फॉर्मूले हो गए। पहला तो बड़ा आसान था, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोसिट्स। दूसरा क्या था, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन सारे के बटे आर वी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2। यहां माइनस है या प्लस है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में हमने क्या एज्यूम किया, इंटरेस्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जा सकता है लेकिन जो एक्सपेंडिचर है, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। ऐसा एज्यूम करके हमने ये वाला फॉर्मूला फिट कर दिया। लेकिन अगर ये एक्सपेंडिचर वाला लॉस पेनल में डेबिट किया जा सकता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन सारे के बटे रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। यहां से जो आंसर आएगा उसके आगे लिख देते हैं 1 माइनस टैक्स। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हम ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, थर्ड वन, जब हम ये थर्ड वन फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो सकता है, लॉस ऑन इशू शेयर सॉरी डिवेंचर एक्सपेंडिचर मानना जा सकता है, पीएनएल में डेबिट हो सकता है और इस पर भी टैक्स का क्या मिलेगा, बेनिफिट। ये फॉर्मूले 3 मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, कहते हैं समटाइम डेब्ट्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड और प्रीमियम। कई बार डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं, कभी प्रीमियम पे होते हैं, एट द प्रीमियम। इफ डिस्काउंट ऑन इशू एंड और प्रीमियम और डिवेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल, अगर ये टैक्स डिडक्टेबल है द फॉलोइंग फॉर्मूला इज जनरल। आगे देखें ये बात, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, स्टूडेंट मे यूज एनी ऑफ द अबव फॉर्मूला टू कैलकुलेट द केडी विद लॉजिकल अजम्पशन। कह रहे साहब आप छोटे छोटे नादान बच्चे हो, आपको डिटेल में नहीं बताता कि भैया इस प्रीमियम इस डिबेंचर पे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो और अजम्पशन दे देना। अबाउ फॉर्मूला गिव अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। इन दीज फॉर्मूला हायर द डिफरेंस बिटवीन आर वी एंड एनपी लोअर द एक्यूरेसी ऑफ आंसर। Therefore, one should not use this formula if difference between RV and NP is very high. Also, these formula are not suitable in case of gradual redemption of bonds. Oh my God, sir, ये क्या कह गया? कह रहे साहब ये वाला जो formula है ना, gradual redemption of bond पर applicable नहीं होता। अच्छा जी, अब याद करें बचपन के दिन जब आपने एक चैप्टर पढ़ा था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हाँ याद है हमारे को, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये मैंने डिबेंचर इशू करे 5 साल के लिए, 1 2 3 4 5, यहां पर मैंने 10 लाख रुपए की डिबेंचर इशू करे और मैंने कहा मैं 5 साल बाद 10 लाख रुपए की लमसम रिडम्पशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि भैया ये जो मैंने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं, हर साल के एंड में 2 2 लाख रुपए रिडीम होंगे, 2 2 लाख रुपए रिडीम होंगे, 2 2 लाख रुपए रिडीम होंगे, तो याद करें ये जो डिस्काउंट होता था, ये 10:8:6:4:2, ये कहां से आया, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर
की रेशो में इस डिस्काउंट को हम पीएनएल में डालते थे अगर आपको याद हो तो अब ये वाला फॉर्मूला पिट जाएगा। हाँ सर, ये वाला फॉर्मूला पिट गया, बिल्कुल पिट गया, क्योंकि जब मैंने आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई टू करा था तो मैंने हर साल का इक्वल खर्चा मान लिया था, जबकि ये हर साल का इक्वल खर्चा नहीं है। ये खर्चा तो है 10:8:8:6:4:2 में। और भी बड़े सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कभी डिबेंचर मैंने 3-5 साल तक रिडीम ही नहीं करे, फिर 6ठे से लेकर 10वें साल तक हर साल 2-2 लाख रुपए की रिडीम करे, तो कह रहे अब साहब वहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पिट जाएगा। मैंने कहा जब पिटेगा, जबकि जब देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन करते हैं ना हम, करते हैं अपना क्या सॉल्यूशन नंबर टू। लो जी सॉल्यूशन नंबर टू, थोड़ी सी मैं स्पीड स्लो कर रहा हूं। कंपनी इशू 10,000, ध्यान से 10,000 के आगे कुछ लिखा हुआ, यानी कि 10,000 डिबेंचर है, रुपीज नहीं है। एक कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 इच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/2017, ठीक है जी। 10,000 डिबेंचर हैं, फेस वैल्यू है 100 रुपीज, आपने 10% के प्रीमियम पर 110 रुपए में इशू कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है साहब इसका 10%, और आपने इशू करें 1/4/2017 को, जब तक है टू बी मेच्योर्ड ऑन 1/4/2022। मेच्योर कब हो जाएंगे, 1/4/2022, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि डिबेंचर कितने साल की हो गई, ये 5 साल के डिबेंचर हो गए, एन आपका हो गया 5 साल, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। द डिबेंचर विल रिडीम ऑन मेच्योरिटी, कंप्यूटर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग टैक्स रेट इज 35%, टैक्स रेट कहता है आपको है 35%, कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व करो। अब एक समस्या है सर, रिडीमेबल डिबेंचर है, मैंने कहा सर आर वी रिडीमेबल वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी समस्या बच्चों, इतनी बड़ी समस्या क्वेश्चन में आर भी नहीं दी, बताओ। अरे सर ये समस्या थोड़ी ना, बचपन में मैडम ने सिखाया था, अगर आपको इश्यू प्राइस नहीं दे रखा तो इश्यू किस पे किया गया है, पार पर। अगर आपको रिडेम्पशन का प्राइस नहीं दिया गया तो रिडेम्पशन भी किस पे किया गया होगा, पार पर। अच्छा हम तो वैसे ही कंफ्यूज हो रहे थे, फिर से पढ़ते हैं। कंपनी ने 10,000 डिबेंचर 10% डिबेंचर 10 रुपए 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू करे 1/4/2017 को, 1/4/2022 को रिडीम होंगे मेच्योरिटी पर, और कंप्यूटर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर टैक्स रेट इज 35%। तो कह रहे हैं रिडीमेबल वैल्यू नहीं रखी तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी होती है सर, रिडीमेबल वैल्यू अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे रखी हो तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी होती है, एट पार। लो जी सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला, ठीक है सर। के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस प्लस आर वी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और इस सारे को क्या कर दूं, आर वी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू। सर आपने तो गलत कर दिया। अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया बच्चों, मैंने ये एज्यूम किया है कि इस इंटरेस्ट पे तो टैक्स का बेनिफिट है, इस इंटरेस्ट पे तो टैक्स का बेनिफिट है, लेकिन इस फिगर पर इंटरेस्ट का इस फिगर पर टैक्स का बेनिफिट नहीं है, मैंने ऐसा एज्यूम किया, मेरी मर्जी, क्योंकि इंस्टीट्यूट की बुक कहती है कि साहब आपकी मर्जी, आप एक कोई भी बेटर अजम्पशन दे के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सोल्व। ये क्या हो गया भाई, आ गया ठीक है साहब। इंटरेस्ट सर आपने कितनी बार बताया है, इंटरेस्ट आपने बहुत बार बताया कि इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू कितनी है जी, 100, 100 का 10% कितना हो गया 10 × 1 − 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह रखा था 100 रुपए, माइनस नेट प्रोसीड्स 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिवेंचर आपने 10 रुपए के प्रीमियम इशू किया तो 110 रुपए डिवाइडेड बाय एन, एन नंबर ऑफ शेयर कितने मेरे 5, एंड एंटायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, हाँ डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय एन मत कर देना डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर। ये इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 10 × 0.65, आगे देखें 100 में से 110 गया माइनस के 10, ओ माय गॉड, माइनस के 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 210, 210 डिवाइडेड बाय 2 105। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, आपने अपने कैलकुलेटर में लिखे 10 × 0.65 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 105, परसेंट का बटन साथ के साथ 4.28, 4.28
4.28%। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। सर फाइनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, अरे सीन शूट ने दे रखे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना फाइनल एग्जाम में, मैं करूं क्या, एफएम है ही इतना आसान। बच्चे कहते हैं सर आज पहली पहली क्लास है, आपने प्रैक्टिकल धड़ाधड़ शुरू कर दिए, अब मैं करूं क्या, इसमें प्रैक्टिकल हैं तो हैं, करने हैं तो करने हैं। अभी तक याद रखने वाली मैंने आपको दो ही बातें बताई हैं। हाँ सर, पैसे का ना जाना पैसे का ना कहलाएगा, पैसे का ना जाना पैसे का ना कहलाएगा, पैसे का ना आना पैसे का जाना कहलाएगा। बताओ, एक तो बात ये होगी, दूसरी बात इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। हाँ सर, और इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट शो करने के लिए मैंने इंटरेस्ट को ना तो फिक्स कॉस्ट का पार्ट माना, ना मैंने वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट माना, मैंने इसको अलग से दिखाया और एक स्टेटमेंट के थ्रू इसको क्या करा, सोल्व। फिर दो बातें सामने आई, डिबेंचर के इंटरेस्ट पर हमेशा गारंटी है कि टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। हाँ सर, लेकिन डिबेंचर को इशू करने का जो लॉस होता है उस पे टैक्स का बेनिफिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। हमने एक क्वेश्चन टैक्स का बेनिफिट मिलवा के सोल्व कर दिया, एक फॉर्मूला टैक्स का बेनिफिट ना मिलवा के सोल्व कर दिया। लो जी, आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। सर कितने क्वेश्चन और हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मैं कोशिश करूंगा इसी में समझा दूं आपको। कंपनी इशू 10,000, आगे पीछे कुछ लिखा हो तो 10,000 डिबेंचर है, 10% डिबेंचर 100 ईच होने 1/4/12, टू बी मैच्योर्ड होने 1/4/2022, 12 और 22 कितने साल हो गया जी, एन इज इक्वल टू 10 ईयर, एन इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 10। द कंपनी वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेब्ट ऑन 1/4/2017, कंपनी 1/4/2017 को अपने डिबेंचर की कॉस्ट जानना चाहती है, व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज रुपीज 80। कह रहे साहब मार्केट प्राइस आपके पास आपकी डिबेंचर का कितना, 80, तो सीधी सी बात है ना भाई, मेरा नेट प्रोसीड्स कितना हो गया, 80। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट, बड़ा था जी। आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट, टी का मतलब हो गया टैक्स, आर बी का मतलब हो गया रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं देखा, तो रिडीमेबल वैल्यू क्या मानी जाएगी, पार। नेट प्रोसीड्स उसने बोली दिया 80, नंबर ऑफ ईयर हमने निकाली दिए थे 10, अरे अरे सॉरी ये तो प्री इंटरेस्ट है, और नंबर ऑफ ईयर भी हमने कितने निकाल दिए थे 10, नंबर ऑफ पीरियड ऑफ डिबेंचर 10 की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है 5। सर अभी तो आप कह रहे थे 10 है, बिल्कुल, क्वेश्चन ने एक ट्विस्ट डाला। अब इसके पास और तो कुछ समझाने का है ही नहीं, क्या बात करता है कि भाई हमने 2012 में डिबेंचर इशू करे थे, मैंने कहा अच्छा 1/4/2012 को डिबेंचर इशू करे थे, 1/4/2022 में ये मैच्योर हो जाएंगे, तो ये डिबेंचर कितने साल के हैं, 10 साल के डिबेंचर हैं, तो हमें देखने में लगता है कि एन 10 है। फिर क्वेश्चन में उसने ट्विस्ट डाला, कह रहा है हम आज बैठे यहां पर 1/4/2017 में, हम आज केडी जानना चाहते हैं, तो भाई अगर आप आज केडी जानना चाहते हैं तो आज की बार डिबेंचर कितने साल और चलेंगे, 5 साल, तो एन आप की बार 5 साल के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि रिडीमेबल वैल्यू मैं यहां की ले रहा हूं 100 रुपीज, और नेट प्रोसीड्स में 1/4/2017 का तो ले रहा हूं नेट प्रोसीड्स 80 रुपए। ध्यान से देखें, आज की डेट में ये डिवेंचर मार्केट में कितने का मिलेगा, 80 का, आज की डेट में मिलेगा, बात कहां लिखी हुई, ध्यान से देखें, द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेब्ट ऑन 1/4/2017, कंपनी आज एग्जिस्टिंग डेट को 1/4/2017 को अपनी केडी जानना चाहती है, व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज 80। भैया आज का डिवेंचर का मार्केट प्राइस 80 है, आज का मतलब है 1/4/2017, अगर मैं 1/4/2017 का एनपी ले रहा हूं तो 1/4/2017 और 1/4/2022 के बीच में 5 साल हैं, 10 साल नहीं है। मुझे उम्मीद है छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हमने इसको सोल्व करना स्टार्ट करा, इंटरेस्ट दिया हमने कितना 10 रुपया, टैक्स लगा दिया हमारा 35%, रिडीमेबल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहता तो पार पे कर दी, माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, ये जो एन है ये 5 ईयर है, ये मैंने बड़ी डिटेल में समझाया, डिवाइडेड बाय 100+80/2, इसको सोल्व करते हैं, 10 × 0.65 कितना हो गया 6.5, 100 में से 80 गया, प्लस के 4 एंटायर डिवाइडेड बाय 90, परसेंटेज का बटन तो आपने लगा दबाना ही है, तो कितना हो गया 10.5,
10.5 डिवाइड बाई 90, 10.5 डिवाइड बाई 90% का बटन, साथ ही साथ 11.66, ये आपकी के डी आ गई 11.66 और यूपीएससी 11.67। सर ये क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, वाईटीएम की चर्चा करेंगे कल, आज का लेक्चर होता है ऑफ। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। केडी के कितने फॉर्मूले करे हमने, 3। सर प्लीज सर मत बताना। अरे मैं बताऊंगा, आप के लिए थोड़ी बता रहा हूं, मैं अपने लिए बता रहा हूं ताकि अगले बैच में मेरी प्रैक्टिस हो जाए। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। दूसरा देखें, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन, एन एंटायर डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर। और तीसरा बताएं, इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन एंटायर डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 और एंटायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स। मुझे उम्मीद है ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और इन सब के लॉजिक भी आपको समझ में आ गए होंगे। और जाते जाते मेरा फेवरेट डायलॉग, पैसे का ना आना पैसे का जाना कहलाएगा, और पैसे का ना जाना पैसे का आना कहलाएगा। इतनी सारी बातें अगर आपको फर्स्ट क्लास में समझ में आ गई हैं, तो आप समझें कि आप रैंक लेने लायक हैं। ओके डियर्स, ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।